यूपी में डबल मर्डर से हड़कंप। पहले भदोही, फिर आगरा में हत्या। गायब लेडी डॉक्टर की मिली लाश। साथी डॉक्टर पर हत्या का शक। आगरा से दूर खाली प्लॉट में एक लड़की की लाश से हड़कंप मच गया। शाम तक लाश की शिनाख्त हुई तो वो डॉक्टर योगिता गौतम की निकली। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से पास आउट डॉक्टर का फोन मंगलवार से ही नहीं लग रहा था। घर वाले हैरान परेशान थे। आगरा के थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी इस हाल में मिलेगी। योगिता के परिवार दिल्ली के रहने वाले हैं। बेटी के फोन न लगने से परेशान होकर वो कल ही आगरा पहुंचे। घर वालों का आरोप था कि उरई जालौन मेडिकल कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। बेटी ने एक दो बार मुझे बताया था, ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं, मुरादाबाद में, वो एक साल सीनियर था। अच्छा। और एक साल सीनियर था ये, बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया और बुला करके उसको खींच लिया। ऐसा पता चल रहा CCTV से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की। जहां योगिता की लाश मिली उसके आसपास के CCTV को खंगाला और फिर डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीजों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण किया जाए। डॉक्टर योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक उसके सिर और गले पर चोट के निशान हैं। इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि मरने से पहले महिला ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया। अरविंद शर्मा, आगरा आज तक। और अब रुक करते हैं यूपी का, जहां एक बार फिर से दरिंदों ने बता दिया कि उन्हें ना तो कानून का कोई खौफ है और न ही किसी की परवाह है। भदोही से 3 दिन पहले गायब बेटी की नदी किनारे लाश मिली। शक है कि दरिंदगी के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। नाबालिग की हत्या से हड़कंप। अगवा कर बेटी से दरिंदगी। यूपी में ये क्या हो रहा है? लोग हैरान हैं, सन्न हैं। जिस लड़की की तलाश में घर वाले, गांव वाले रात दिन एक किए हुए थे, उसकी नदी किनारे लाश मिली। लाश जली हुई थी, तेजाब डालकर जलाया गया था। शक है कि लड़की को अगवा कर दरिंदगी की गई और फिर बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पहली नजर में ये रेप और हत्या का मामला बता रही है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फूल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है। जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिजन सदमे में हैं, तो गांव वाले गुस्से में हैं। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दोषियों को फौरन पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। परिवार का शक पास के ईंट भट्टे चलाने वालों पर है। इस मामले में वो भैंस चराने गई थी 3 बजे और वहीं से वो गायब हो चुकी है। घर दोबारा वापस नहीं आई और वो भट्टे वाले का ही काम है। वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर तेजाब डाल के।
मामला यूपी के भदोही के कोतवाली क्षेत्र का है। तीन दिन पहले 17 अगस्त को 17 साल की लड़की भैंस चराने गई थी, लेकिन लौटी नहीं। घर वालों ने काफी तलाशा, फिर पुलिस में शिकायत की। दो दिन बाद लड़की मिली, लेकिन बेजान थी। पुलिस जांच की बात कर रही है, इसके लिए बाकायदा टीम भी बनाई गई है। लेकिन सवाल है कि यूपी में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या उन्हें कानून का डर नहीं है? क्या उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? अगर होता तो ऐसे कोई दिन दहाड़े लड़की को अगवा करता, उसके साथ दरिंदगी करता, उसे बर्बरता से मार देता। दिनेश कुमार, भदोही, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।